गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को। प्रोबीडियम परिवार के सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन था, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने पीछे वाली क्लास में क्या क्या थोड़ा सा स्टडी किया था, उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से संचालित कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखो फिजिकल रीजंस ऑफ राजस्थान, फिजिकल रीजंस ऑफ राजस्थान में जैसा कल हमने पढ़ लिया था उसी में आज ध्यान रखना है। देखो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान की अगर हम लोग जैसी चर्चा करेंगे तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि राजस्थान ही नहीं अपितु आप लोग जब कभी भी पढ़े तो यहां से अपन लोग कह सकते हैं कि देखो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल डिवीजन मेनली चार होते हैं, लेकिन फिजिकल रीजंस जो है वो चार भी हो सकते हैं, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको कल एक सोर्स बताया था, एनसीईआरटी की जो हमारे पास बुक्स है कक्षा 11th और 9th की, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि भारत को छह भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। हालांकि राजस्थान में हम लोग चार ही पढ़ेंगे, वहां पर छह भाग का अपने को क्लासिफिकेशन मिलता है। तो आज हम लोग जो राजस्थान को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने मेनली जो कुछ बातें आप लोगों से कल मैंने जो शेयर कर ली थी उसी के ऊपर आज मैं थोड़ा सा बेसिक सा अपन लोग प्रकाश डालेंगे, फोकस करेंगे, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। राजस्थान के फिजिकल रीजंस जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि चार प्रकार के फिजिकल रीजंस हैं। और चार प्रकार के फिजिकल रीजंस में हमने कल आप लोगों को हम लोग कल पढ़े थे वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन पहला, और वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन के बाद में देखो ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इसके बाद में ईस्टर्न प्लेन, और चौथा जो टॉपिक है द हाड़ोती रीजन्स, हाड़ोती का पठार। तो ये चर्चा हम लोगों ने की थी। इसमें हमने यहां तक पढ़ लिया था कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग के ऊपर वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन एरिया जो है वो पाया जाता है। और इसी में आगे वाले थोड़ा सा जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि ये थार का मरुस्थल वगैरह जो है इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% क्षेत्रफल पाया जाता है, और यहाँ जनसंख्या जो है वो कितनी है, 10%। और थार के मरुस्थल में अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या पाई जाती है 40%। और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम लोग बोल सकते हैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग ये कवर करता है, और यहां पर पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो कितनी है, 39%। नेक्स्ट हाड़ोती का जो पठार जो है यहां पर 7.89% हम लोग कह सकते हैं ये एरिया है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। और यहां हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 11%। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोग एक एक टॉपिक वाइज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में अपने को पूरी तरीके से इस क्षेत्र को अपने को समझना है, और यहां पर एकदम सिंपल वे में अपने को समझते हुए चलना है। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर अपन बढ़े तो यहां पर ध्यान रखना है। देखो आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान का है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम लोग ऐसे सिंपल वे में पढ़ें कि ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है, किसका भाग है, तो पूछे भारत के रिगार्डिंग अगर पूछा जाए कि किसका भाग माना जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तर के विशाल के मैदान का भाग है,
उत्तर के विशाल के मैदान का भाग है। मैं जोर दे रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप लोग। सॉरी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है? तो उत्तर के विशाल के मैदान का भाग है। जबकि अवशेष अगर पूछे कि किसका अवशेष है, तो हमें सिंपल वे में समझना है कि टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का। कैसे अवशेष माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्या ऐसे अपने पास एविडेंस है, क्या ऐसे प्रमाण या साक्ष्य अपने पास है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि थार का मरुस्थल जो है, ये थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इसके ऊपर अपन सविस्तार चर्चा करेंगे ताकि अच्छे से अपन किसी कंसेप्ट के ऊपर अपनी अच्छे से रीच हो सके, पहुंच हो सके। ध्यान से सुनेंगे फिर आगे चलेंगे। देखो, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, देखो मरुस्थल, जैसा मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। एक ही वर्डिंग में आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए, थार का मरुस्थल, है ना। थार के मरुस्थल की जैसे ही हम लोग चर्चा करें तो पहले मरुस्थल का मीनिंग समझ लेना आप लोगों को। अगर कहीं पर भी ऐसा सुनने को मिले कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो आप लोगों के माइंड में तुरंत ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि मरुस्थल किसको बोलेंगे। तो सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एरिया जहां वर्षा रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 सेंटीमीटर से कम हो, या वर्षा कम हो। अगर वर्षा कम है तो हम लोग बोल सकते हैं, और मेनली अगर कोई पैरामीटर अगर अपने पास में है तो वो है 25 सेंटीमीटर का। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एरिया जहां रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से अगर कम होती हो तो उसको हम लोग मरुस्थल बोल सकते हैं। या अब इसको कैसे समझना है, अगर वर्षा कम है तो सीधी सी बात है वहां पर वनस्पति कम होगी। तो सिंपल वे में कह सकते हैं वनस्पति, वर्षा कम तो वनस्पति भी कम, और वर्षा अगर कम है तो वनस्पति कम होगी, और वनस्पति अगर कम है तो सीधी सी बात है वो स्थल मर जाएगा, और मरे हुए स्थल को हम लोग बोल देते हैं मरुस्थल। क्या बोल देते हैं? मरुस्थल। अब अपने को ध्यान रखना है कि आगे चलकर हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग अच्छे से मेंशन करने जा रहे हैं, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। देखो, एक तो हम लोग पढ़ते हैं थार, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इंडियन ग्रेट डेजर्ट। राजस्थान में हम लोग इसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से इसको पढ़ते हैं, थार डेजर्ट या इंडियन ग्रेट डेजर्ट, भारत का महान मरुस्थल। और ये जो भारत का महान मरुस्थल है, इसके बारे में अगर हम लोग अच्छे से चर्चा करें तो यहां पर हम लोग ये थोड़ा सा अपने को इसमें समझना है, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ सके। देखना है, सिंपल वे में समझना है। देखो, यहां थोड़ा सा मेनली इस मैप के या इस स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को समझना है, ताकि अच्छे से समझ सकें फिर से हम लोग। देखो, यहां आप लोगों को देखो ये गुजरात का पार्ट दिख रहा होगा, और इस गुजरात वाले पार्ट को आप लोगों को समझना है। देखो, गुजरात से यहां से अगर अपन ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसमें यहां से लेकर ये एरिया पूरा का पूरा, देखो इसमें यहां जहां जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट की अगर हम लोग जैसे ही चर्चा करते हैं तो इसी पार्ट को हम लोग नाम देते हैं, देखो, थार डेजर्ट। या इसी थार डेजर्ट की अगर जैसी बात की जाती है तो इसको हम लोग एक नाम और बोल देते हैं, इंडियन ग्रेट डेजर्ट, भारत का महान मरुस्थल। तो सिंपल वे में पहले अपने को इसका एक्सटेंशन देखना है। एक्सटेंशन से मतलब ये कहां कहां पर स्प्रेड है, कहां कहां पर फैला हुआ है, इसका विस्तार कहां कहां तक है। तो विस्तार को लेकर जैसे ही अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां से आप लोगों को समझना है बस थोड़ा सा। देखिए कैसे, सिंपल वे में समझना है। देखो, देखिए, सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि इसका नाम जैसे लिया जाता है तो ये पूरे विश्व के दो देशों में फैला हुआ है,
और दो देशों की अगर हम लोग जैसे ही चर्चा करेंगे कि कौन कौन से दो देश हैं, तो दो देशों में सिंपल वे में एक नाम तो आ जाएगा, देखो किसका, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद में अगर हम लोग बात करें तो एक जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, तो इसको हम लोग सिंपल से कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र आएगा कहाँ पर आएगा, भारत में। ज़्यादातर इसका एक्सटेंशन अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो भारत में है, इसीलिए इसको हम लोग इंडियन ग्रेट डेजर्ट के नाम से बोलते हैं। पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 15% पार्ट के ऊपर है, पाकिस्तान में इसका ज़्यादा पार्ट नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के दो सिंध और पंजाब वाला जो कुछ एरिया है वहाँ पर इसका एक्सटेंशन है, ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है। इसके बाद लगभग 85% भाग के ऊपर ये फैला हुआ है भारत में, क्लियर है? तो यहाँ तक थोड़ा सा समझ लेना है एकदम सिंपल वे में। तो जो ये पाकिस्तान वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इस पाकिस्तान वाले पार्ट में देखना है ये वाला, तो ये पार्ट आप लोग पाकिस्तान का देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये पाकिस्तान का है, और इस एरिया में थार के डेजर्ट का विस्तार है। इसके बाद में अगर हम लोग भारत की बात करें तो सिंपल वे में देखना है कि भारत में ये चार राज्यों में स्प्रेड है, चार राज्यों में फैला हुआ है भारत में ये। और चार कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें सिंपल वे में आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर है गुजरात, क्लियर है, गुजरात में है। गुजरात के बाद अगर हम लोग देखें तो गुजरात के बाद आप लोग कह सकते हो, देखो यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये राजस्थान तो ही है, इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका पंजाब, और पंजाब के बाद में यहाँ पर आ जाता है हरियाणा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका एक्सटेंशन कहाँ पर मिलेगा, राजस्थान में, राजस्थान के बाद में पंजाब, हरियाणा और गुजरात। गुजरात में आजकल बहुत कम एक्सटेंशन, इसको कुछ एक्सपर्ट कुछ ज्योग्राफर ऐसा बता रहे हैं कि थार के मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। तो गुजरात वाला जो पार्ट है यहाँ पर आजकल इसका विस्तार बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ऐसा पूछे भी कि थार के मरुस्थल का राज्य भारत में सबसे कम विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोगों को सिंपल सा ध्यान रखना है ये विस्तार सबसे कम देखने को मिलता है गुजरात में। अब भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत के जो चार राज्य हैं वो चार राज्य कौन कौन से हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ये चार राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो है राजस्थान में, और राजस्थान में अगर है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका। और राजस्थान के बाद में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के बाद में नाम आ जाता है पंजाब, और पंजाब के बाद में नाम आ जाता है किसका, हरियाणा, और हरियाणा के बाद में सबसे कम विस्तार अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में। तो ये हमें सिंपल वे में इधर थोड़ा सा समझ लेना है कहाँ कहाँ पर विस्तार है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, और सबसे कम विस्तार आपको देखने को जो मिलेगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, गुजरात में। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, थार के मरुस्थल के विस्तार की, कि कहाँ कहाँ पर है। तो विश्व के दो देशों में, पाकिस्तान और भारत में, भारत के कितने राज्यों में, तो चार राज्यों में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान की अगर जैसी चर्चा की जाती है कि राजस्थान के कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो ये चीज़ आप लोगों को अब पता होनी चाहिए कि कितने जिलों में है। तो यहाँ से अगर मैं आपको नेक्स्ट अगर राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैप के आधार पर आप लोगों को समझना है। देखो यहाँ से आप लोगों को पकड़ करना है, देखो तो इस मैप में जैसे आप लोग इधर देख सकते हो कि इधर है आपकी अरावली। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले यहीं पर बनेगा, देखो अरावली जो है ये राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। राजस्थान को दो भागों में किस प्रकार से डिवाइड करेगी, तो अगर डायरेक्शन अपन राजस्थान की देखें तो ये डायरेक्शन जो राजस्थान की हो जाएगी ये तो हो जाएगी साउथ, ये कौन सी हो जाएगी ईस्ट, और ये कौन सी हो जाएगी नॉर्थ, और ये कौन सी हो जाएगी वेस्ट। यहीं से समझ लेंगे अपन लोग, तो इसमें तो यहां से आप लोगों को ये थोड़ा सा देखना है
कि अरावली के ये उत्तर पश्चिम में ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोल देते हैं कि राजस्थान में इसका विस्तार कहां पर है, किसका, तो हम लोग बोल सकते हैं थार के मरुस्थल का। और थार का मरुस्थल हम पढ़ दें कहां पर, भारत के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो थार का मरुस्थल ही बोलेंगे इस पर्टिकुलर एरिया को, लेकिन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के आधार पर अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं इसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहां पर अरावली पर्वतमाला के उत्तर और पश्चिम में थार का मरुस्थल, या हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो विस्तृत है। अब यहां पर देखना पहले राजस्थान के कितने जिलों में इसका विस्तार है, राजस्थान का, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इसका एक्सटेंशन है। तो हमें ध्यान रखना है कि अभी जो 22 नए डिस्ट्रिक्ट बने राजस्थान में, 22 जो जिले बने, उनसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमें ध्यान रखना है उनसे पहले राजस्थान के 12 जिलों में इसका विस्तार था। और ये 12 जिले कौन कौन से थे इनको पहले ध्यान रखना है, सिंपल सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। मैं आपको बीच में थोड़ा सा एक टॉपिक लेकर समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करें, देखो एक भारत में एक संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं ICAR, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ध्यान रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बट ये मैं बीच में क्यों बता रहा हूं इसका सेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो भारत में क्या काम करती है, भारत और राजस्थान में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उन सभी मिट्टियों की अगर हम लोग बात करें तो भारत और राजस्थान में पाई जाने वाली जितनी भी संपूर्ण मिट्टीज हैं, सॉइल्स हैं, उन सॉइल्स के आधार पर, यानी कि अगर इस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान और भारत में टोटल जितने भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उन टाइप्स में 8 प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया जाता है। सिंपल सा ध्यान रखना है। तो ये 8 प्रकार की जो मिट्टी का डिवाइडेशन या सॉरी क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, भारत और राजस्थान में पाई जाने वाली जितने भी प्रकार की मिट्टियां हैं इनका क्लासिफिकेशन जो करता है वो क्लासिफिकेशन करता है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अगर हम लोग बात करें तो मिट्टियों के बेस के ऊपर ये वाला जो पूरा का पूरा ये एरिया है, यहां इस बेल्ट में मेनली जो सॉइल पाई जाती है ये डेजर्ट सॉइल पाई जाती है, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी का यहां पर स्प्रेड ज्यादा, फैलाव ज्यादा है। अब ध्यान रखना है ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अरावली पर्वतमाला जो है, जो आप लोगों को राजस्थान के मिडिल में दिख रही है, इसके उत्तर और पश्चिम में कुल 13 जिले हैं। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में राजस्थान के कुल कितने जिले स्थित है, तो 13 जिले स्थित है। इन 13 जिलों में से यहां पर एक जिला है और इस जिले की अगर हम लोग बात करें तो इस जिले को हम लोग बोलते हैं सिरोही। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये जो 13 जिले हैं इन 13 जिलों में से सिरोही जिले को छोड़कर 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले यानी कि डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर रखा है। यहां फिर से समझना है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया फिर से एक बार थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़ना है ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत ना हो सके। समझने की जितनी अच्छे से अच्छी कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे आप लोग। हमारा मेन मकसद ये नहीं होता है कि हमें केवल सब्सक्राइबर जोड़ने हैं या हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हो, नहीं, एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छा कंसेप्ट मिल सके, उसका किसी प्रकार से कोई भ्रम ना रहे, वो अच्छे से अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूव कर सके, इसलिए हम लोग एक एज ए स्टूडेंट के माध्यम से, एज ए स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को फिर से थोड़ा सा सुनना है, अगर पूछे कि अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में कितने जिले हैं, तो 13 जिलों में मरुस्थलीय जिले की श्रेणी से बाहर किसको कर दिया गया, सिरोही को। तो अब पीछे कितने जिले बचे, 12।
तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 12 जिले हैं, इन 12 जिलों की अगर हम लोग बात करें तो इनको आईसीएआर ने मरुस्थलीय जिले, या हम लोग बोल सकते हैं कि डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट घोषित कर रखा है, मरुस्थलीय जिले। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से, यहां पर आप लोगों को फोकस करना है ना। बट अब 22 जिले बन चुके हैं, और जो जिले बने उनमें बहुत सारा, जो पहले राजस्थान में 33 जिले थे, अब टोटल जिले कितने हो गए, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कितने जिले हो गए, 53। तो यहां पर भी कुछ चेंजेस अपने को जिलों को लेकर देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि राजस्थान के भूगोल में चेंज हो गया। अरे भूगोल कभी चेंज हो सकते हैं क्या? भूगोल में क्या चेंजेस होगा, जिलों में चेंज हुआ है, वहां की जियो पॉलिटिक्स जो है उसमें चेंज हुआ है। राजस्थान की भूगोल चेंज होगी, बोलो जी राजस्थान की भूगोल कैसे चेंज हो सकती है? लेकिन हमें अच्छे तरीके से अगर हमारे अंदर समझ विकसित नहीं है तो हम लोग यही बात करेंगे, हवा में तीर गड़ाएंगे, लो जी राजस्थान का भूगोल चेंज हो गया पूरा। अरे कहाँ से चेंज हो गया? राजस्थान का भूगोल चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई है राजस्थान की, जो राजनीतिक या हम लोग बोल सकते हैं जो नए जिले बने हैं, तो वही चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें कहाँ डरने की बात है? कोई डरने की बात नहीं है। अगर किसी की पीछे से अच्छे से तैयारी है तो उसको कोई जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा एक बार पढ़ना है बस। और इसमें कोई लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर रखा कि ये हो जाएगा और वो, कुछ नहीं होगा। एकदम सिंपल वे में अगर समझते जाओगे तो चीजें उतनी ही आसान है जितनी पहले थी, बट कुछ थोड़ा बहुत उसमें ऐड करना है। अगर जैसे ये 12 जिले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो आप लोग आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट, हाँ ये जरूर है कि अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए तो पहले भी नया था अब भी नया है, तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने पढ़ रखा है तो उसके लिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट कोई बात नहीं होगी। हाँ जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए तो पहले भी राजस्थान का भूगोल जो वो नया था और अब भी नया हो जाएगा, तो उसमें कहाँ कौन सी कोई दिक्कत आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन लोगों ने हवा बना रखी बहुत ज़्यादा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, राजस्थान वही रहेगा। राजस्थान का भूगोल थोड़ी चेंज हुआ है, राजस्थान में जिले जो है वो अलग बनाए गए हैं। ये चीजें हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है। चलो आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले मैं इन 12 जिलों के बारे में, राजस्थान के जो मरुस्थली जिले हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में है, 12 जिलों में। इसके अकॉर्डिंग आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। अब ये 12 जिले कौन कौन से हैं तो हम लोग सिंपल वे में पढ़ सकते हैं। देखो कौन कौन से 12 जिले होंगे देखना है, इधर ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर है जैसलमेर, क्लियर है? पहले हम लोग 12 पढ़ेंगे और फिर कौन कौन से नए जिले बने बनेंगे उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में इधर आ जाएगा आपका कौन सा, बीकानेर। बीकानेर के बाद में इधर हम लोग बात करें तो श्रीगंगानगर, है ना। याद करने का भी मैं एकदम सिंपल तरीका बता दूंगा ताकि ज्यादा जोर नहीं आएगा, एकदम ईजी वे में याद करना है बस आपको। इधर इधर हम लोग बात कर सकते हैं, इधर हो गया बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में इधर हो गया आपका कौन सा, जालौर, है ना। जालौर के बाद में सिरोही आता है, सिरोही मरुस्थलीय जिले की श्रेणी से क्या हो चुका है, बाहर। अब ये तो रेड क्लिप रेखा वाले सारे के सारे जिले थे जिसमें जालौर रेड क्लिप सीमा के ऊपर नहीं है, गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अब अपने को कौन सा याद रखना है, तो यहां पर एक आ जाएगा हनुमानगढ़, है ना। अब यहां से आप लोगों को ये तीन शेखावाटी वाले जिले याद रखने हैं, तीन तीन जिले शेखावाटी क्षेत्र वाले, सीकर, चूरू और झुंझुनू, तीन ये हो गए। लो जी कहां दिक्कत आ रही है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो बाड़मेर और जालौर इस साइड में आ जाएगा आपका कौन सा, पाली, है ना। और पाली के बाद में जैसलमेर और बीकानेर के इस साइड में, बाड़मेर के इस साइड में यहां पर आ जाएगा आपका जोधपुर, है ना। और यहां अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा नागौर, है ना। तो कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। अब हम लोग इसमें पढ़ लेंगे 12 जिले, वो एक नहीं हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 6 और 3 9 10 11 और 12। सिंपल तरीका है एकदम, अगर मैप फिलअप करना आना चाहिए हर स्टूडेंट को, राजस्थान का मैप फिलअप करना आना चाहिए। अगर मैप फिलअप करना नहीं आ रहा है तो फिर आगे पढ़ने से कोई सारांश नहीं है। मैप ही फिलअप करना नहीं आ रहा है ना तो फिर पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी। छोटी चीज़ें पहले सीखनी पड़ती है, पहले इन जिलों को समझे अच्छे तरीके से, तब जाकर आके समझ में आएगा, है ना। अब ये 12 जिले तो अगर हम लोग बोल सकते हैं 2023 से पहले की बात थी, लेकिन अब 2023 और
हम लोग कह सकते हैं, जैसे लोग बाग आजकल सोशल मीडिया के ऊपर इसे बता देते हैं कि कई ऐसे इवेंट्स टॉपिक वगैरह आते रहते हैं कि गहलोत जी ने जो जो है वो राजस्थान में जिलों की बाढ़ ला दी है और अब हमें क्या होगा, हमारा कैसे याद करेंगे हम लोग। अरे क्या, एक जिले बने हैं तो इससे बहुत अच्छी बात है जिले बनना। कोई भी अगर इस प्रकार का राजनीतिक प्रशासनिक अगर सुधार होता है तो हमारे को उसका स्वागत करना चाहिए, स्वागत करेंगे ताकि अच्छे से किसी क्षेत्र विशेष का डेवलप हो सके। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कई दिनों से वंचित हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है किसी प्रशासनिक काम के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है ना। हालांकि इसके दोनों आस्पेक्ट हैं, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन हम लोग नेगेटिव सोचें क्योंकि पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 12 जिले तो ये है ही। अब देखो जी, ये जो जालौर था इसमें अब लोग आप लोगों को थोड़ा सा मैं आपको एक अलग तरीके से बता दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखो जालौर जो था, तो जालौर से हम लोग बोल सकते हैं कि जालौर से अलग होकर एक जिला बना, तो जालौर से अलग होकर कौन सा बना था, सांचौर। तो एक नया ऐड हो गया, 12 की जगह कितने हो गए, 13, ये सांचौर है ना। बाड़मेर, बिल्कुल बाड़मेर से भी अलग हुआ, तो बाड़मेर से कौन सा अलग हुआ, तो आप लोग बोल देंगे बालोतरा है ना, तो ये एक अलग हो गया। जैसलमेर से अपने जैसलमेर जिंदाबाद है, जैसलमेर से कोई अलग हुआ ही नहीं, तो जैसलमेर जिंदाबाद था है और रहेगा, ऐसा पढ़ लेंगे अपने, क्या है जैसलमेर जिंदाबाद था और रहेगा, मतलब इसका कोई डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन इसका नहीं, डिवाइडेशन इसका नहीं हुआ। हाँ, यहाँ जरूर देखने को मिलेगा बीकानेर, बीकानेर और श्री गंगानगर से एक जिला बनाया गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनूपगढ़, ये एक नया इसमें एड और हो गया है ना, तो अनूपगढ़ हो गया। इसके बाद में हनुमानगढ़ से तो कैसे कोई चेंजेज हुआ ही नहीं, क्योंकि हनुमानगढ़ खुद श्री गंगानगर से अलग होकर बना था। इधर जोधपुर, हाँ यहाँ देखने को चेंज मिलेगा आपको, और जोधपुर में आप लोग देखना है, एक तो जोधपुर शहरी और एक जोधपुर ग्रामीण, तो जोधपुर को दो ही काउंट करना है, जोधपुर को तीन काउंट नहीं करना है, मैंने पीछे भी एक लेक्चर में बता रखा है। आप देखना, लोग बाग ऐसे बोलते हैं कि राजस्थान में जो 19 जिले बने 33 पहले थे तो अब कितने हो गए कि 52। अरे महान लोगों, इस जोधपुर को तीन बार काउंट कर रहे हो, जयपुर को तीन बार काउंट कर रहे हो, तो जोधपुर के पार्ट तो दो ही हुए ना, जोधपुर के पार्ट दो कौन से, एक तो ग्रामीण और एक शहरी, तो जोधपुर दो ही हुए, जबकि लोग बुक तीन काउंट कर रहे हैं उसको। जोधपुर एक अलग ही है, जोधपुर ग्रामीण अलग है, जोधपुर शहरी अलग है, अरे तीन नहीं बने महान लोगों, कितने बने, दो। तो जोधपुर में हम लोग बोल सकते हैं कि जोधपुर के दो पार्ट पढ़ने अपने को, जोधपुर में जैसे एक तो जोधपुर कौन सा बना, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जोधपुर शहरी को छोड़ देंगे, एक तो जोधपुर ग्रामीण और एक जोधपुर से, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये जोधपुर शहरी है, तो एक जोधपुर ग्रामीण मान लेते हैं, और जोधपुर ग्रामीण के बाद में एक जोधपुर से अलग हुआ था फलोदी, तो ये हो गया आपका। हाँ, इधर देखो ये नागौर, नागौर के साथ भी हम लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी छेड़खाड़ हुई, नागौर से दो जिले अलग बनाए गए, हालांकि पहले तो एक ही था, लेकिन फिर कुचामण वालों ने इसका विरोध किया कि हम तो डीडवाणा के साथ में नहीं रहेंगे, अब नहीं रहेंगे, तो फिर लोध जी अलग कर दिया, गहलोत जी थे कर दिए है ना। तो नागौर में कितने जिले नए बने, तो नागौर में हम लोग बोल सकते हैं एक तो डीडवाणा और एक हम लोग पढ़ लेंगे कुचामण है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेना है अपने को। अब इसके बाद में शेखावाटी, सिक्कर से हम लोग बोल सकते हैं कि सिक्कर से नया जिला बना जिसको हम लोग बोलते हैं एनकेटी, नीमका थाना है ना। झुंझुनू से अपन कोई अलग नहीं हुआ, चूरू की से अलग हुआ, बहुत लंबे समय तक मांग उठी, और चूरू से अलग होकर सुजानगढ़ की लंबे समय से मांग उठी थी, और सुजानगढ़ में की जब लंबे समय से मांग उठी, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिकल इशू रहा होगा जिसके चलते यहाँ पर सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया था शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में सुजानगढ़ को इलेक्शन के टाइम में सुजानगढ़ को एक नया जिला बना दिया गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं चूरू से अलग होकर एक नया जिला बना जिसको हम लोग बोलते हैं सुजानगढ़। तो इस प्रकार से ये सारे जिले हैं जी। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा समय स्लाइड से हट जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। अब आप लोगों को अगर ऐसा पूछा जाए कि ये जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल में ध्यान रखना है, थार का मरुस्थल
का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो ये राजस्थान के इतने जिलों में है जी। पहले तो कितने जिलों में था? 12 जिलों में, लेकिन अब कितने जिलों में है? तो हम लोग यहां पर सिंपल सा कह सकते हैं कि अब राजस्थान के 21 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ये 21 जिले आपके सामने हैं। कौन कौन से जिले हैं जो आप लोग आराम से इस स्लाइड के माध्यम से या आप लोग देख सकते हैं, तो ये 21 जिले जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ा कि पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश या थार के मरुस्थल का विस्तार हमने देखा था शुरुआत से। जैसे शुरुआत से अगर हम लोग देखें तो देखो ये हमने बात की थी शुरुआत में, थार के मरुस्थल का विस्तार अगर हम लोग देखें तो पूरे विश्व के 2 देशों में है। और 2 देशों में कौन कौन से में? पाकिस्तान में लगभग 15% है, भारत में लगभग 85% है। और भारत के कितने राज्यों में है? तो 4 राज्यों में है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? तो राजस्थान में बोल सकते हैं आप लोग, इसके बाद में पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद में गुजरात, 4 राज्यों में है। राजस्थान के पहले 12 जिलों में था, लेकिन अब राजस्थान के कितने जिलों में हो गए? 21 जिलों में। ठीक है ना, ये चेंजेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग थार के मरुस्थल को लेकर। और ये आप लोग इस प्रकार से अगर ये मैप अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो ये भारत का नक्शा, और इस भारत के नक्शे के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा इधर थार का डिजर्ट जो है वो दर्शाया गया है ना। तो ये अपने को अच्छी तरीके से समझना है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे थार के मरुस्थल के बारे में। मेनली जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने राजस्थान के एक्सटेंशन से लेकर इसके ऊपर चर्चा की, क्लियर है विस्तार। अब थार के मरुस्थल के फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, किसका अवशेष है, कहां से कहां तक है, ये सारी चीजें अपने को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना न भूले। मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे समझ लेना कि थार के मरुस्थल को अच्छी तरीके से समझने के लिए अगला वीडियो आप लोग जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग हमेशा तत्पर रहें। हो सकता है कि कुछ ही टाइम पीरियड के बाद में हम लोग ये ऑनलाइन शुरू कर देंगे, और ऑनलाइन में आप लोगों से रूबरू होने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग कुछ आपकी क्यूरीज जो हो वो हमारे को बता सकें। फिर भी आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे ताकि हमें पता चल पाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो सीखना इंसान का काम है, और जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता, हो सकता हम कोई महान व्यक्ति नहीं है, इतने बड़े भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग हमारे को कुछ कमेंट्स में बताएंगे तो हम लोग इसमें और इम्प्रूव करेंगे ताकि हम लोग भी कुछ अच्छा इम्प्रूव करके आप लोगों को अच्छे से अच्छे नए नए वीडियो जो वो डालते रहे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।